दोस्तों आज हम बात करेंगे डायरेक्ट सेलिंग में सफल होने वाले पॉइंटों पर और किस तरीके से हमें सफल होना है, हम क्या क्या कर सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, आज हम वो सब जानेंगे। तो आइए मेरे साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना अच्छी लगे तो, और शेयर कर देना ए टू जेड वेदिक ज्ञान। सबसे पहले तो हम जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग है क्या, आखिर है क्या है डायरेक्ट सेलिंग, और नेटवर्क मार्केटिंग जो होती है वो मार्केटिंग कंपनियां जो होती हैं वो कैसे काम करती हैं, कैसे लोगों को करोड़पति लखपति महीनों में और सालों में बना देती हैं। आइए दोस्तों देखते हैं डायरेक्ट सेलिंग और ट्रेडिशनल सेलिंग का प्रारूप। आप ये देखो, ट्रेडिशनल मॉडल सबसे पहले प्रोडक्ट प्लांट में बनता है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास, उसके बाद जाता है, फिर उसके बाद होलसेलर के पास जाता है, फिर उसके बाद डीलर के पास जाता है और लास्ट में कस्टमर तक, कंज्यूमर तक पहुंचता है। इसमें एक इफेक्ट और भी जुड़ता है कि इसमें एक प्रमोशन करने वाला, ऐड देने वाला बंदा भी इसके साथ जुड़ जाता है। तो ये प्रोसेस है। तो यहाँ तक क्वालिटी आते आते कंपनियां उसको डाउन कर देती हैं, बहुत लंबा प्रोसेस है, सबका कमीशन इसके अंदर जुड़ा हुआ है। अब आगे डायरेक्ट सेलिंग मॉडल। डायरेक्ट सेलिंग में प्लांट के अंदर तैयार होता है, कोई मॉडल नहीं है, कोई प्रमोशन वाला नहीं है, सीधा सेल्समैन, और सेल्समैन के बाद सीधा जाता है कंज्यूमर के पास। और इसलिए सेल्समैन को भी प्रॉफिट होता है इससे, कंज्यूमर को भी प्रॉफिट होता है, उसको कम रेट में मिलेगा, सेल्समैन को कमीशन मिलेगा और कंपनी को एक्स्ट्रा बच जाएगा। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग एक अच्छा ऑप्शन है नए युग की मार्केटिंग करने का। अब बात करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग हमारी जरूरत है या मजबूरी, आने वाले समय में ये हमारी ज़रूरत रहेगी या हमें मजबूर होकर इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। आइए इन पहलुओं पर थोड़ा सा नज़र डालते हैं। दोस्तों जिस स्पीड से हमारे देश में वृद्धि हो रही है जनसंख्या की, उतनी ही स्पीड से बढ़ रही है बेरोजगारी, और बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है कि कोई नौकरी नहीं है, नौकरी है तो कम पैसों की नौकरी है, हमें हमेशा उसमें बिजी रहना पड़ता है, बिजी शेड्यूल है, हम अपने रिश्तेदारी से भूल जाते हैं, अपने दोस्तों को भूल जाते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर आते हो तो जनसंख्या वृद्धि या हो या बेरोजगारी हो या अशिक्षित हो, हर कोई इसको ज्वाइन कर सकता है। बहुत ही बेहतरीन प्लेटफार्म है कम समय में बढ़िया इनकम लेने का, और कंज्यूमर को भी, आपके आसपास वालों को भी इससे फ़ायदा होगा, कम रेट में उसको मटेरियल मिलेगा, कंपनी को फ़ायदा होगा, उसको बीच के खर्चों को नहीं देना पड़ेगा और आपको फ़ायदा होगा क्योंकि आपका कमीशन इसके अंदर बन जाता है और प्लस में रिटेल प्रॉफिट भी आ जाता है। इसलिए आने वाले समय में मजबूरी बन जाएगी कि हम बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए, आर्थिक स्थिति को ख़त्म करने के लिए, अपनी आज़ादी को बढ़ाने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग अपनाना पड़ेगा। नंबर दो आता है डिग्रियों की, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि इसमें किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं है। आप कितने पढ़े लिखे हो, आप कितनी क्वालिफिकेशन कर चुके हो, आप ग्रेजुएट हो या अनग्रेजुएट हो, कोई आप करोड़पति हो या गरीब हो, कोई भी इंसान इस डिग्री के बिना, जो ज़रूरत पड़ती है नौकरी के लिए, उसके बिना डायरेक्ट सेलिंग को अपना सकता है। इसलिए ऑप्शन बहुत बड़ा है, मैदान बहुत बड़ा है, और हमारे देश में ही 135 करोड़ 40 करोड़ जनसंख्या है। तो आज से डायरेक्ट सेलिंग को अपनाना शुरू कर दो क्योंकि आने वाले समय में इसकी मजबूरी बन जाएगी हमें अपनाने के लिए। अब नंबर तीन आता है दोस्तों, जो हमेशा हमें ज़रूरत पड़ती है अपना नेटवर्क बनाने की, अपना क्षेत्र बढ़ाने की, अपने आसपास के व्यक्तियों को अपने साथ मिलकर लेकर चलने की, हम इसके अंदर आते ही वो सीखने लगते हैं, सीख जाते हैं और हमारा क्षेत्र, हमारी जान पहचान दूर दूर तक फैलने लगती है। अलग अलग स्टेट, अलग अलग कंट्री के अंदर हम नेटवर्क बना लेते हैं, वो सीख जाते हैं।
इसलिए आने वाले समय में नेटवर्क की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि एक आदमी इनकम करेगा तो कितना, एक चना कितना भाड़ भुकेगा। इसलिए कहते हैं कि जो भी अमीर बना है वो बिना नेटवर्क के नहीं बना है, और इसमें आने के बाद हम वही नेटवर्क बनाना सीख जाते हैं। चार नंबर आता है दोस्तों, हमें सीखने की आदत बन जाती है। हमारे जीवन में हम लास्ट टाइम तक सीखने की आदत बनाए रखते हैं तो हम बहुत बढ़िया काम कर जाते हैं। इसमें हमेशा आप सीखते रहोगे, इसके अंदर आप लोग बहुत बड़े बड़े लोग बताने आते हैं, हर रोज़ मीटिंग होती है, हर रोज़ एजुकेशन सिस्टम बनता है, चलता है, जिससे हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। और जब तक हम सीखेंगे नहीं तो जब तक हम जीतेंगे नहीं। तो दोस्तों, चार नंबर की आदत हमें बहुत बढ़िया हो जाती है, यानी कि सीखने की, और आने वाले समय में जो खुद का काबिल होगा, जो खुद का सिस्टम चलाने वाला होगा, वही एक बड़ा काम कर सकता है और वही जीत सकता है और वही कुछ अचीवमेंट कर सकता है, वही सपनों को पूरा कर सकता है, और टीम को लेके चलने का जो जज्बा है वो उसके अंदर जग जाता है। एक समय था दोस्तों कि हम पहले सब ग्रुप बना के रहते थे, ग्रुप बना के चलते थे, आज हम नौकरी के चक्कर में अपनी सब टीम को, अपने अपनों को भूल चुके हैं। इसलिए पांचवा नंबर और इस वीडियो का अंतिम पड़ाव, टीम वर्क करने की आदत इसके अंदर आ जाती है। हम फिर से जो पहले का समय था वही दोबारा दोहराने लगे हैं। अपनी टीम को साथ लेकर चलने की जो आदत है, जो हमारी मजबूरी है, आने वाले समय में हमें टीम वर्क ही करना पड़ेगा, साथ मिलकर चलना पड़ेगा। बहुत हो गया अलग अलग रहकर अकेले अकेले जीना। तो दोस्तों, ये पांच बिंदु हैं जिससे हमें आने वाले समय में हमें डायरेक्ट सेलिंग अपनाना पड़ेगा, मजबूरी बन जाएगी, क्योंकि अकेला आदमी कोई भी कुछ नहीं कर सकता और ना ज़्यादा दूर चल सकता है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन की घंटी को ऑल पर दबा देना, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाएँ। A to Z वैदिक ज्ञान, जीवन में आने वाले सभी पॉइंटों पर हम प्रकाश डालते हैं। अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।